हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सॉल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। और सुबह आपने हमारे डिवाइन कपिल को इतनी सारी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दी, उसके लिए बहुत बहुत आभार। आप सब लोग बहुत मोटिवेट हो रहे हो। जो जो हिम्मत हार रहे थे, उन्हें लगता है कि नहीं, इस जर्नी पे बिलीव करना चाहिए। तो डिवाइन कपिल को भी बहुत बहुत आभार आप लोगों के लिए, इतना सोल पर्पस करने के लिए, आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए। ओवरऑल दोस्तों, ये डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी आज मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि मुझे मेल्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्योंकि इस वक्त आप सब लोगों को लग रहा है कि पेंडेमिक का टाइम है और मेरा डीएम कैसा होगा। चिंता होना वाजिब है, क्योंकि वो आपकी आत्मा का हिस्सा है, ठीक है। एंड यस, लाइफ ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन इज वेरी प्रेशियस, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि, चलिए छोड़िए, बहुत इम्पॉर्टेंट है उनका आपके लिए अपने अस्तित्व में होना यहाँ पर। और दूसरा, हमारा प्यार उनके लिए, तो उनके लिए चिंता होना वाजिब है। बट तो मुझे लगा कि यस, इट इज़ राइट टाइम कि मैं अपनी सोल फैमिली को बिल्कुल भी मायूस ना होने दूँ। तो मैंने डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी चेक इन करी है, और मैं आप लोगों को बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि आप निश्चिंत होकर रहिए, एंजॉय करिए, सेलिब्रेशन करिए। देखिए, सेलिब्रेशन मतलब अच्छे से अपना भी ध्यान रखिए, पूजा पाठ करिए, प्रेयर करिए अपने जीएम के लिए, बट आपके जीएम बिल्कुल सेफ हैं। इनफैक्ट वो जो लोग अभी, जो डीएम अभी घर पर ही हैं, लॉकडाउन में अपने घर पर हैं, दे आर प्लानिंग वेरी बिग। यस, ये है कि आपका डीएम इस वक्त आपसे ज़्यादा जिस चीज़ पर वो लोग फोकस थे, मे बी जो उनकी जो प्रॉब्लम थी उस पर वो फोकस, लाइक फाइनेंस की प्रॉब्लम और या वॉट एवर, अपने फ्यूचर का, कैरियर का, स्टडी, वॉट एवर, जो भी उनकी ऐसी चीज़ थी जो ज़रूरी है, जिस पर उनको काम करना, ठीक है, या जॉब की, तो वो लोग बिल्कुल उस पर फोकस कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। पूरा का पूरा ध्यान आपके डीएम का इस वक्त अपने, दे आर सिंपली प्लानिंग कि लॉकडाउन खुलेगा और हमें उस पर जो भी स्ट्रेटेजी है उस पर काम करना है। और ऐसा नहीं है कि वो आपको बिल्कुल मिस नहीं कर रहे हैं, ये सीक्रेट है कि आप ही तो उनकी स्ट्रेंथ हो। जो लोग अभी टॉकिंग टर्म्स में हैं, उनके डीएम बहुत ज़्यादा अंदर से सेटिस्फाइड हैं। उन्हें ये लगता है कि चलो फाइनली वो टाइम ख़त्म हो गया, जो टाइम एक्चुअली उन्होंने वेस्ट कर दिया सिर्फ लड़ाई झगड़ा करने में, ठीक है। हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग बहुत ज़्यादा बातें कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा रोमांटिक आपके बीच में टर्म्स होंगे, ठीक है, वो नहीं है। बट ऐसा है कि जितनी भी बातें वो आपसे कर रहे हैं, एनर्जेटिकली वो आपसे जो भी एनर्जी लेते हैं, उस एनर्जी को वो लोग बिल्कुल राइट प्लेस पे यूज़ कर रहे हैं, अपने करियर पे, अपनी जॉब पे, अपने प्रोग्रेस में, अपनी ग्रोथ में। और आपको उनसे ये सीखना है, जितनी बातें आपकी उनसे होती हैं, उतना उस एनर्जी को आपको अपने अपने इनर वर्क में यूज़ करना चाहिए, अपनी सेल्फ ग्रोथ में, अपनी फिजिकल ग्रोथ में, राइट। कैरियर हमको भी बनाना है, हमारे कैरियर की ग्रोथ हमें भी करनी है। आप भी स्ट्रेटेजी बनाइए, आप भी अपने लॉकडाउन पे, अगर आप लोग कुछ नहीं कर रहे हो, या किसी की जॉब चली गई हो, या किसी की कुछ नुकसान हुआ हो, तो बिल्कुल आपको भी आगे का प्लान करना चाहिए। इस टाइम को हमें वेस्ट नहीं करना है, राइट। सिर्फ ये सोच के कि डीएम, आई एम मिसिंग हिम, हम लोग का कब रोमांटिक कनेक्शन और स्ट्रांग होगा, कब हम लोग टॉकिंग टर्म्स में आएंगे, हमारा क्या होगा, इस सब सोचने में वेस्ट मत करिए। बिकॉज लेट मी टेल यू दोस्तों, ये जो जर्नी है, इस जर्नी का मैं आपको एक सबसे बड़ा सीक्रेट दे रही हूँ, बैलेंस इज द की। और कैसे बैलेंस की है, आपने सी सॉ देखा है, सी सॉ, राइट। सी सॉ में जब आप बैलेंस में होते हो, तो आपका जो पार्टनर होता है वो बिल्कुल आपके सामने होता है, ठीक है। लेकिन जहां आप थोड़ा सा नीचे चले गए, आपका पार्टनर ऊपर,
ठीक है, मतलब आपसे दूर, जहां आप थोड़ा सा ऊपर हो गए, मतलब आप हाई वाइब्रेशन में आ गए, तो आपका पार्टनर आपको चेज करेगा, ठीक है ना। तो हमको ये भी नहीं चाहिए कि हम भागे तो वो हमें चेज करे, ना हमें ये चाहिए कि हम उसको चेज करे वो भागता रहे। हमको तो इस कनेक्शन को एंजॉय करना है ना, इस प्यार को, इस अनकंडीशन लव को एंजॉय करना है, राइट। तो हमें ना ऊपर जाना है सी सॉ में, ना नीचे, हमको बीच में रहना है, बैलेंस, बिकॉज योर पर्सन इज योर परफेक्ट एनर्जी, ठीक है, परफेक्ट मिरर एनर्जी। एक तो सीक्रेट मैंने ये बता दिया, तो इस टाइम पे आप प्रैक्टिस करिए, खूब प्रैक्टिस करिए इस सी सॉ के बारे में। हमेशा अपने दिमाग में ये सी सॉ रखिए कि मुझे बैलेंस में रहना है। कहीं भी ये नहीं कि कुछ बात हो गई, ट्रिगर हो गए और आप बिल्कुल सब कुछ सुना दिया, आपके ईगो पे आ गया, तो आपने काम क्या किया, ठीक है। तो अपने उन ब्लॉकेजेस पे काम करिए, नंबर टू ये हो गया। नंबर थ्री, ऑलवेज रिमेंबर लव ट्राइंगल, ठीक है। लव ट्राइंगल आप लोगों ने तो सुना होगा बॉलीवुड में, ठीक है, मैं उसके पीछे, वो उसके पीछे। यहाँ हमें किसके पीछे होना है, जब दोस्तों आप डिवाइन के पीछे होगे, ठीक है, तब आपका डीएम आपके पीछे होगा। तो मेरा ये एक सीसो याद रखना और मेरा ये एक लव ट्राइंगल याद रखना, ठीक है। तो जब आप ये चीज को लिख के रख लो कि मैं डिवाइन के पीछे तो मेरा डीएम मेरे पीछे, राइट, मैं सी सॉ में सेम लेवल पे रहूंगी। तो इस वक्त जब लॉकडाउन का टाइम है, जब वो अपने काम पे बिल्कुल अपनी पावर में है, अपनी स्ट्रेंथ में है, तो आपको भी स्ट्रेंथ में आना है, ठीक है। आपको भी अपनी सोल ग्रोथ पे, अपनी फिजिकल ग्रोथ पे, अपनी करियर ग्रोथ पे, अपनी फैमिली ग्रोथ पे, मतलब कि हमारे परिवार के लोगों के संग हमें अच्छे संबंध बना के रखने हैं, और इस सीसॉ को प्रैक्टिस करना है, इस ट्राइंगल को प्रैक्टिस करना है, इनर वर्क पे ग्रोथ करना है। फिर से वंस अगेन यू गॉट बेस्ट टाइम, इस कुकून में जाके हम अपने आप को इवॉल्व कर सके, हमारा टाइम बहुत हमें अच्छा मिल गया है इस वक्त, ठीक है। एंड लेट मी टेल यू, जैसे ये जो लॉकडाउन की प्रोसेस ओवर होगी, थोड़ा सा ही कोरोना का प्रॉब्लम कम होगा, आप दोनों पावर में आने वाले हो। अच्छा, दोनों पावर में आते हैं तो क्या होता है, ऑफकोर्स यूनियन, ढेर सारा, लाइक आपकी लाइफ में ये मेरी एक और कलेक्टिव एनर्जी डीएम डीएफ दोनों के लिए है कि जब आप लोग अच्छे से इस, आपने अच्छे से इनर वर्क कर लिया, आपने अच्छे से स्ट्रेटेजी प्लान कर ली डीएम की तरह, तो आप दोनों को बाद में ढेर सारी मॉनेटरी अबेंडेंस मिलने वाली है, आप और ज़्यादा पावरफुल होने वाले हो, आप हर चीज़ बहुत इजीली मैनिफेस्ट कर लोगे अपनी लाइफ में, योर ड्रीम जॉब, योर दिस एंड दैट एंड ऑफकोर्स योर पर्सन, ठीक है। बहुत ही अच्छा टाइम है, आगे का टाइम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वेलकमिंग टाइम है, जो भी आप पॉजिटिव, यस, इस वक्त आपको थोड़ी सी एनर्जी लो लग रही होगी, आपको कन्फ्यूजन्स हो रहे होंगे, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि मुझे हैवीनेस क्यों लग रही है, आप उसको डीएम की याद समझ रहे हो या डीएम का टेंशन समझ रहे हो, जो आपने मुझे इतने सारे मेल्स आ रहे हैं कि मेरा डीएम ठीक तो होगा ना, मुझे इसकी चिंता हो रही है, मैं उससे बात कर लेती हूँ, इस प्रकार से, राइट। तो ये दिस इज बिकॉज ऑफ द हैवी एनर्जी राइट नाउ, ठीक है। और हमारा ये लाइक तो इस, आपको समझना है कि इस टाइम को आप अगर उस हैवी एनर्जी को ट्रांसम्यूट करिए इनर वर्क में, कि हम सही इनर वर्क करके अपना को स्ट्रांग और पावरफुल बना देते हैं, तो जब ये जो आने वाला अपकमिंग टाइम है, ये आपको ब्लेसिंग्स देने वाला है, क्योंकि इट्स जस्ट लाइक मैजिकल टाइम इज कमिंग, यू नो, आपके डीएम भी पावर पे आने वाले हैं, आप भी पावर पे आने वाले हैं। सो प्लीज़, इस चैनलिंग का मतलब यही है, आप अपने आप, जो आपको एक अच्छा मौका मिलने वाला है, द्वार खुलने वाला है अबेंडेंस का आपकी लाइफ में, पॉजिटिविटी का, कुछ अच्छे होने का, कुछ अच्छे चेंजेस का, तो हम इस टाइम को क्यों वेस्ट कर रहे हैं। सो मैं एक आपको अलार्मिंग चैनलिंग दे रही हूँ, एक वार्निंग चैनलिंग दे रही हूँ, आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि आप इसका बेस्ट यूज़ कर सकते हैं। आप भी पावरफुल डिवाइन फेमिनिन में कन्वर्ट हो जाओगे, आप भी पावरफुल होने वाले हो, आपका डीएम पावरफुल होने वाला है, एक नई ओपनिंग, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आने वाली है, और उस पर बिल्कुल डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप लोगों को मिलने वाली है। एवरी थिंग, बट डोंट बी लेजी। ओनली आप अगर लेजी हो रहोगे तो
पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका मैस्कुलिन तो काम कर रहा है, ठीक है। और अगर मैस्कुलिन आपका काम करके पावरफुल हो गया और आप लेजी हो गए, सिर्फ आप सोचते ही रह गए, तो फिर सीसॉ इम्बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। सो वन मोर थिंग, इस चैलेंज को हल्का करने से पहले, खत्म करने से पहले, हल्का मैंने इसलिए मेरे मुंह से निकला दोस्तों, ये जो वर्ड मैंने हल्का एकदम से बोला है, इसका मतलब ये है जो मुझे यूनिवर्स ने मेरे मुंह से निकलवाया है, ये टाइम पे आप अपने आप को, अपनी सोल को बहुत हल्का करो, इतने अच्छे से इनर वर्क करके इतना हल्का कर लो, इतना लाइक जो आप लोगों को इनर इंट्यूशन आ रही है वो आपको बहुत क्लियरली सुनाई देगी, क्योंकि ये एक और प्रॉब्लम हो रही है कि आप लोग अपनी अपनी इंट्यूशन को क्लियरली सुन नहीं पा रहे हो, सुन भी रहे हो तो उसको उससे कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे हो। जितना ज़्यादा आप हल्का होगे, ठीक है ना, अंदर से खाली होगे, खाली इन द सेंस खालीपन वाला नहीं, जो आपके ये ब्लॉकेजेस, जितने ज़्यादा आप अपने सब डार्कनेस को बिल्कुल ट्रांसम्यूट कर लोगे, बिल्कुल सरफेस पे ले आके बिल्कुल रिलीज कर लोगे, है ना, उतना ज़्यादा आप लाइट हो, आपकी सोल लाइट हो जाएगी, हल्की हो जाएगी। जब आपकी सोल लाइट हो जाएगी, आप बिल्कुल यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाओगे, आपको उनकी जो भी आपको उनके आंसर्स, सारे इंट्यूशन, सारे डाउनलोड्स बहुत अच्छे से खुद, क्योंकि देखिए दोस्तों, ये तो जो चैनलिंग है कलेक्टिव की है, बट सच कहा जाए, ट्रूली स्पीकिंग, तो हर इंसान की जो जर्नी है वो अलग है, बिल्कुल अलग है, यूनिक है, उसका आपका सिलेबस ही बिल्कुल अलग है, इनर वर्क का, सर्कमस्टांसिस का, आपके पर्सन का, आपका, तो आपको भी खुद को भी अपने इंट्यूशंस समझ में आने चाहिए, ठीक है। कलेक्टिव में तो मैं वार्निंग देती ही हूँ, पर आपको भी अपनी इंट्यूशन समझ में आनी चाहिए, तो उसके लिए आपको थोड़ा हल्का होना पड़ेगा, ठीक है। तो तीन पॉइंट हमारे हो गए आज, बी लाइक अ सीसॉ, मींस कि बैलेंस को हमेशा अपने माइंड में रखिए, ठीक है, कि मुझे हर हाल में बैलेंस में रहना है। डीएम ने ट्रिगर कर दिया तब भी मुझे लड़ाई नहीं करनी, बवाल नहीं करना है, मुझे बैलेंस में रहना है, मुझे ट्रायंगल फॉलो करना है, मतलब अगर मैं डिवाइन के पीछे होंगी तो डिवाइन मेरा पर्सन मेरे पीछे होगा। नंबर थ्री, मुझे हल्का रहना है, ठीक है, मुझे लाइट होना है, सारे सारे अपसेट, सारे ब्लॉकेजेस, सारे इश्यूज, सारी डार्क एनर्जीज, आप नेगेटिविटीज आपके सब बाहर निकाल के फेंक दीजिए इस लॉकडाउन में, और अपने इंट्यूशंस को फॉलो करिए, डिवाइन से कनेक्ट होइए, अपने हार्ट सेल्फ से कनेक्ट होइए, ठीक है। बस दोस्तों, बहुत ही अच्छी एनर्जी है, मुझे बहुत मज़ा आया आपकी चैनलिंग करने में, और आपके ही पर्सन, आपके पर्सन भी इसी तरीके से इवॉल्व हो रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं, इनर वर्क भी कर रहे हैं अपने वे में, जो उनको समझ में आता है वो अपने को इवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सो ध्यान रखिए दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, एंड प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर एवरी नेक्स्ट अपडेट्स। आपका दिन शुभ हो।